तो वो वक्त नन्ही बच्ची ने जब आखिरी बार अपने माँ बाप को पुकारा होगा, अपनी माँ को पुकारा होगा, अल्लाह के नाश भी तो रोया होगा। क्या हमें एहसास है एज अ कौम, या सिर्फ तनकीदें एक दूसरे पे करते रहेंगे? जब तक इस मुल्क को कुरान की शरई सजाओं की तरफ लेके नहीं जाएंगे, जब तक इन लोगों को कुरान के मुताबिक सजाएं नहीं देंगे, हर सूबे में ये होता रहेगा, हर सूबे में ये होता रहेगा। इनको चौकों पे फांसियां लटकानी चाहिए, कुरान के मुताबिक सजाएं देनी चाहिए। कुरान से मत डरो, अंग्रेज के कानून से डरो, अल्लाह के गजब से डरो, लेकिन अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह के निजाम से प्यार करो। वो कैसे होगा? उससे ना सिर्फ नून कर सकती है, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, हम सब ने मिलकर करना है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक ऐसे इश्यूज पे नवाज शरीफ, इमरान खान और बिलावल जरदारी साहब और इस तरह की लीडरान और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे नहीं होंगे, ये मसाइल आज एक बंदा नहीं हल कर सकता, मिलकर इसको हल करना होगा। क्योंकि ये बच्ची जिसका रेप हुआ है, आप सिर्फ ये रियलाइज करें, हमारे बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे, मैं रात को नींद नहीं आती, उसके बाप से कल मिला हूं, मेरे इस तरह लग के वो रोया है और कहते हैं मुझे इंसाफ चाहिए। यकीन कीजिए, मेरे ख्याल में उमर जराना ने फरमाया था कि जिस कत्ल का कातिल ना मिले, उसकी गुनाहगार, उसका जिम्मेवार हुक्मरान वक्त है। और हम सब हुक्मरान वक्त में आते हैं, हम भूल जाएंगे स्पीकर साहब, हम भूल जाएंगे। ज़ैनब हमारी बच्ची जो है हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु के साथ अब जन्नत में होगी, लेकिन क्या हम बच्चों को इस तरह जन्नत पहुंचाते रहेंगे? मेरी ये दुआ है कि इस तरह की कोई और ज़ैनब जो है वो फिर मजीद पैदा ना हो, उसके लिए इकट्ठे होना पड़ेगा कायद के इस फरमान के साथ अलामा के, कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर 10 बंदों को लटका दे, मैं देखता हूँ कौन इस तरह का कुछ जुर्म फिर करता है।